अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ जिंजर और गार्लिक का अचार। तो 250 ग्राम लिया था गार्लिक, जिसे अच्छे से पील करके धो लिया है और सुखा लिया है। 250 ग्राम ली है जिंजर और इसे भी धो के काट के सुखा लिया है। और इस तरह हमने इसे जूलियंस में कट किया था। अभी कुछ लिए हैं साबुत मसाले, जिनको हमने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूटना है। तो 5 टीस्पून ली है सौंफ, 4 टीस्पून मैंने लिया हुआ है दाना मेथी का, और 3 टीस्पून ली है ये पीली वाली सरसों, आपके पास काली हो तो आप वो ले लें, और 1 टीस्पून मैंने ली है पेपर। तो इन सबको पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट। मसाला मैंने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा ज्यादा खाया जाता है और मोस्टली सभी घरों में ज्यादा ही खाया जाता है। अगर आपके घर में इतना नहीं खाया जाता तो आप थोड़ा कम कर लें। तो इसे अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट करना है, जिसमें 5 to 7 मिनट तो जरूर लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है वो रोस्ट हो चुका है। बस हल्का ही करना था कि इसमें जो नमी है वो नहीं रहे, वो खुश हो जाए। कलर हमने ज्यादा चेंज नहीं करना था। अब इसको हमने मोटा मोटा कूट लेना है। तो देखिए दोस्तों, एक दरदरा सा मसाला तैयार कर लिया है। अब हमने ऐड करने हैं कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले लिया है सॉल्ट, तो सॉल्ट दोनों ही लिए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ये अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आप ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करनी है हल्दी, तो 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून है पीली मिर्ची, एंड 1.5 टीस्पून है कुटी हुई मिर्ची। और ऐड करेंगे खटाई, तो ये भी 1.5 टीस्पून है। और अब इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, सभी चीजें मिक्स कर दी हैं। अब ऐड करना है 1/2 टीस्पून कलौंजी, और 1/2 टीस्पून ही लिया है अजवाइन का। अब ऐड कर देना है मसाला जो हमने कूटा है, और सारी ही चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी ही चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अभी गर्म किया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून हींग। हींग से अचार का जो फ्लेवर है वो बहुत ही उम्दा हो जाता है। 1 टीस्पून जीरा, बस गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब ऐड कर देंगे तड़के को अचार में, करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। अब इसे हमने स्टोर करने के लिए लेना है एक सूखा डिब्बा, तो आप प्लास्टिक का लें या शीशे का लें तो ज्यादा बेटर है। और 2 दिन तक हमें इसको लगानी होगी धूप, ताकि इसमें जितनी भी नमी है वो सब निकल जाए, खुश हो जाए। उसके बाद इसको लगेंगे कम से कम 20 से 25 दिन, जिससे कि ये अच्छे से गल जाएगा, जिंजर गार्लिक की स्मेल चले जाएगी। अचार जो है वो कभी खराब नहीं होते, अगर हम इन्हें ढंग से इस्तेमाल करें, सूखे डब्बे में रखें, सूखी जगह पर रखें, और जब भी हमें निकालना हो तो सूखे चम्मच का ही हम इस्तेमाल करें, तो अचार हमारे कभी खराब नहीं होते। और ये बहुत ही मजे का बनता है, बहुत ही मजे का। जिंजर गार्लिक का है तो डाइजेशन में और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। फी मानी ला।